नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि सलमान साहब के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई की नजर थी, अब एक बहुत बड़ी बात का खुलासा पता चला है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या से पहले सलमान खान के ऊपर पनवेल फार्म हाउस में ही जानलेवा हमला होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों को बता दूं तो इसे और कोई नहीं, गोल्डी बराड के साथ साथ कपिल पंडित शामिल थे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पूरा माजरा समझाता हूँ। 2018 में सलमान खान के ऊपर एक जानलेवा हमला भी हुआ था, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि गोली जो है वो दूर से ही निकल गई थी 1 इंच, और सलमान खान बाल बाल बच गए थे। ये तो प्लान ए था दोस्तों, प्लान ए फ्लॉप हो गया। उसके बाद प्लान बी तैयार किया गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या सच में शॉकिंग थी, और उससे पहले दोस्तों हम लोगों को बता दूं तो एक बहुत बड़ी खबर आई है अभी इस वक्त। मैं अमर उजाला की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, जहां पर ये बात सामने आई है। जब पुलिस ने इंटरोगेट किया है, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो है पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी में है, तो लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड को ये बड़ी जिम्मेदारी दी थी दोस्तों। इसके अलावा जो है उन्होंने अपने शार्प शूटर कपिल पंडित को इस काम के लिए चुना था। कपिल पंडित नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुए दोस्तों, और आपको बता दूं तो इस घटना को अंजाम देने से पहले वो 1.5 महीना लगभग पनवेल जहां सलमान खान का फार्म हाउस है वहां पर किराए में रह रहे थे वो। और इन लोगों का प्लान यही था कि किराए में रहकर वहां पर सलमान खान की एक्टिविटीज को देखना पनवेल फार्म हाउस में, और उसके बाद जाके उन पर हमला करना। आपको बता दूं दोस्तों, तो वो काफी बार चूके, क्योंकि शेरा सलमान खान की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे, और सलमान खान अपनी कार को जब से हिट एंड रन हुआ था तब से वो ज्यादा फास्ट नहीं चला रहे थे, तो उन लोगों को मौका मिल गया था कि वो उसी वक्त उन पर वार करें। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो पनवेल फार्म हाउस की अगर बात करें तो पनवेल फार्म हाउस जो है वो एकदम डीप अंदर जाके जंगल में है, और एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। इनफैक्ट सांप ने सलमान खान को अभी काट भी लिया था, अगर आपको याद होगा तो। तो यस, ये एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है दोस्तों, प्लान बी। आपको क्या है कहना जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, मुझे इजाजत दें।